जी नमस्कार प्रणाम। चलिए आज इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज दो चीज टेक्निकली बताऊंगा मैं, जो कुछ सेटिंग वगैरह होता है, क्यूबेस हो या न्योंडो हो, उसके अंदर आप ये सेटिंग करेंगे तो आपके जो कुछ चीज़ें हैं आसान हो जाएंगी। जैसे की कमांड हो गया, मेट्रोनोम का साउंड बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसमें भी एडजस्ट किया जाता है और उसका जो साउंड टोन भी है वो चेंज होता है। तो आइए आज उस पर ही वीडियो बना रहा हूँ। और भी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और जो भी टॉपिक पे चाहिए आपको उस टॉपिक में वीडियो बना कर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए ओपन करते हैं। और जैसे अभी मैंने बोला कि मेट्रोनोम साउंड, तो इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे तो इस कॉलम में है ट्रांसपोर्ट, तो इस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे मेट्रोनोम साउंड है, सेटअप है, तो यहाँ से आप इसका साउंड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्टिव ऑडियो क्लिक, ये साउंड है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी भी बिप्स बजेगा, साउंड में चेंज कर रहा हूँ, अभी देखिए लेवल में चेंज कर दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा लेवल हो जाएगा चेंज। मेट्रोनोम यूज 1/4 है ना, ठीक है। यूज सिग्नेचर रिकॉर्ड टाइम, ठीक है। अब इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब देखिए साउंड, कोई प्रोजेक्ट में एक नया ले ले रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए, डेस्कटॉप पर ही क्रिएट करता हूँ। क्रिएट मूव टेस्ट एक बना ले रहा हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे जैसा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 साउंड आ रहा है। अब इसको देखिए साउंड थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने इसको पहले भी किया था, जैसे यहाँ पे था ये साउंड था, ये हम लोग इसको इस पर कर दे रहे हैं। तो अब देखिए पिच लेवल भी चेंज कर सकते हैं जो मेट्रोनोम का है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये पिच लेवल थोड़ा चेंज कर देंगे तो साउंड क्वालिटी बदल जाएगा। देखिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये साउंड आ रही है। और मैं कुछ की कमांड के बारे में बता दूं, की कमांड बनता है यहाँ से, आप की कमांड भी बना सकते हैं। तो यहाँ से बनाने का कुछ एक दो बनाकर दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बना लेंगे। जैसे मैं बना कर रखा हूँ, ऑडियो में आऊँगा, जैसे मैंने बाउंस के लिए यहाँ सेलेक्ट किया और बी को असाइन किया, तो मैंने तो पहले से कर रखा है और ये सब मैंने असाइन किया है। इसी तरीके से बनाएंगे आप, और भी चीज़ें हैं इसमें होगा। इंपोर्ट में मैं दिखाऊँ, OMF, जैसे OMF इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं साइन करूँगा एक OMF, साइन हो गया, और इसको ओके कर देंगे तो जब भी हम ओ दबाएंगे तो OMF को इंपोर्ट करेगा ये, है ना। जैसे यहाँ पे आ गया, ओ बटन दबा रहा हूँ तो आ जा रहा है OMF, इंपोर्ट OMF, है ना। जहाँ पे भी होगा वहाँ सेलेक्ट करके वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा।